हमारे महाराष्ट्र में से तो सोफा लूट कर लेके गए आप। मोदी साहब है तो मुमकिन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद भाजपा के साथ, और वही छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन पे खड़ा करने के लिए कहा तो रेलवे का चेयरमैन कहता है पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी नहीं तो वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू कैसे लगा। इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, 5 मिनट में सर, इतना बड़ा 20 घंटा दिया है। मैं बीएसई कमेटी में हूं जी। हमारे आज आपने मुझे बजट पर बोलने का अर्थसंकल्पीय बजेटवर बोलताना ठाकरेंचे खासदार अरविंद सावंत यांनी नरेंद्र मोदी आणि निर्मला सीतारामन यांचा चांगला समाचार घेतला। महाराष्ट्राकडून सगळंच घेता, पण महाराष्ट्राला काय दिलं तर गाजर। आमच्या छत्रपती शिवरायांच्या तुम्ही शपथ खातात, पण त्यांचा पुतळा अजून बनवला नाही। महाराष्ट्रातून सगळंच ओरबाडून नेत आहे, तुम्ही काय तरुणांना रोजगार देणार अशी टीका करत असतानाच अरविंद सावंत यांचा लोकसभा अध्यक्षांनी माईकच बंद केला। त्यानंतर काय घडलं ते पाहूयात। कहा नोकरी आयोग तो बताओ, पहले तो बताओ 500 कंपनियां, बस भी कंपनियां तो बताओ, कहा नौकरी लगाने वाले हो। मैन्युफैक्चरिंग मुंबई जैसे शहर में तो सब गया, हमारे महाराष्ट्र में से तो सोफा लूट कर लेके गए आप। वेदांत फॉक्सकॉन गया, टाटा एयरबेस गई, बल्ड ड्रग पार्क गया, मेडिकल डिवाइस पार्क गया, सारे कारखाने जो उद्योग थे लेकर गुजरात में लेके गया। रोजगार कहाँ है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रहे है? बताओ तो सही, कहाँ रोजगार देने वाले हो? हमारा एक सवाल, बुनियादी सवाल है, तब जाकर आप कहो। मैंने इसीलिए कहा ये कुछ नहीं है, ये अग्निवीर है सर। अभी आगे बताता हूँ आपने क्या किया। सारे पब्लिक सेक्टर बेच डाले, कहाँ नौकरियां बताओ तो सही। पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे? देश की आबादी का सोचो, 140 करोड़ में कितने लोग बेरोजगार है। आप देते हो सीधा 4 करोड़ लोगों को जॉब मिलेगा, 2 वर्ष के बाद में क्या करेगा, अग्निवीर बनेगा क्या? नहीं पता चल रहा है सर। और इसलिए मैं कहता हूं बैंक, इंश्योरेंस, रेल, पोस्ट, ऑयल, सारी कंपनी आपने बर्बाद कर दी। हाल ही में मैं जर्नी कर रहा था तो रेल में 2 कर्मचारी मिले मुझे, और उन्होंने कहा सर, मैं बोला क्या करते हो, तो बोला मैं जनरेटर ऑपरेटर हूँ, एक ने कहा मैं हाउसकीपिंग करता हूँ। तो उसने कहा जब मैं नौकरी पे लगा तो उस वक्त मुझे 45,000 तनख्वाह मिली, 2 वर्ष के बाद में वेंडर चेंज हुआ, मेरी तनख्वाह सीधा 16,000 आ गई, फिर 2 वर्ष के बाद में नया वेंडर आया, फिर 18,000 पे गया, अब नया वेंडर आ, अभी और नया वेंडर आया 24,000। हमने तो सब प्राइवेटाइजेशन, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बैठे हम, पार्लियामेंट का स्टाफ कहाँ है, कहाँ गए सब? CISF हमारी उनसे दुश्मनी नहीं है, क्यों हमारे स्टाफ को निकाला, समझने तो दो। बीवीजी करता है हमारा सारा, हमारा राष्ट्रपति भवन बीवीजी, पार्लियामेंट की सफाई बीवीजी करने, और कौन हमारे स्टाफ कहाँ गए भैया? ये जो पार्लियामेंट में हमारा स्टाफ था, हाँ CISF लगा दे चौराहे पे लगाओ, अंदर क्या है, क्यों उनके ऊपर आप अन्याय कर रहे हो, कहाँ है बताओ तो सही, कौन से नौकरी पे गए, कहाँ निकाल दिए, किसने निकाला, किसने निर्णय लिया, 25-25, 30-30 साल जिन्होंने अपनी जान प्राण न्योछावर किए इस पार्लियामेंट को रक्षा के लिए, जिन्होंने प्राण न्योछावर किए, वो CISF वाले नहीं थे सर, वो हमारे कर्मचारी थे। सबको हटाया आपने मन मर्जी, मोदी साहब है तो मुमकिन है, निकाल दिया आपने वो अपनी नोकिया कंपनी मद्रास में, एक दिन में मन में आया बंद कर दी। 40,000 लोग कहां जाएंगे नहीं पता, हम बता रहे नया जो बंद हो रहा है कौन बताएगा। आज हमारे ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई सर, हमारी जो पहली पुरानी डीजल पेट्रोल इंजन की व्हीकल थी तो उसके लिए एंसिलरी बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मूविंग पार्ट नहीं है, तो उसके लिए जो मूविंग पार्ट्स होने की वजह से एंसिलरीज कंपनियां होती थी, आज सारी एंसिलरीज कंपनियां बंद पड़ी। कोल्हापुर में जाओ एंसिलरीज कंपनियां बंद पड़ी है, बेरोजगार हुआ, उम्र वही 40-45, कहाँ रोजगार है? आपके रोजगार शब्द से मैं देखता हूँ कहाँ रोजगार है वो तो बताओ। और सबसे बड़ी बात है कौन सी नौकरियां देते हो आपके कानून इस देश में, रोजगारों के लिए, नौकरियों वाले काम, काम करने वालों के, मजदूरों के लिए क्या कानून बनाए सर हमने? हमने कानून बनाया जिस कंपनी में 300 और 300 से कम कर्मचारी हो, अगर कंपनी का मालिक चाहता है बंद करना है तो उसको किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, बंद करेगा। कृपया कंक्लूड कीजिएगा। बंद करेगा, मर्जी है, मेरी मर्जी,
उसके बावजूद हमारे क्या टर्म्स है सर? कैजुअल, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और फिक्स्ड टर्म। कैजुअल क्या होता है? कैजुअल मतलब एक दिन का काम है, बुलाया दो दिन छोड़ दिया। हमारे नेवल डॉक में सरकार नेवल डॉक में, मुझे पिछले हफ्ते लोग मिलने आए, 25 बरस सर कैजुअल एम्प्लॉइज, 25 बरस कंटिन्यू सर्विस, ब्रेक नहीं है, 25 बरस कंटिन्यू सर्विस करते हैं कैजुअल एम्प्लॉइज करके नेवल डॉकयार्ड में। ये तरीका है। मैंने रक्षा मंत्री को पत्र लिखा, मैंने वेस्टर्न कमांड को पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद क्या हुआ सर? पत्र लिखने के बाद इमीडिएटली वेस्टर्न कमांड सतर्क हुआ और उन्होंने सोचा कि अब हम वेंडर बुलाएंगे, जल्दी से थर्ड पार्टी कर देंगे। तो 25-25 साल नौकरी करने वाले लोगों को अब वेंडर के पास भेजोगे, अपनी जिम्मेदारी छूट गई। मर जाओ, किधर भी जाओ। माजगांव डॉक फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय सर, प्लीज सर, दो दो बरस के लगते, दो बरस प्लीज। अब फिक्स्ड टर्म पे लग गए सर, अभी तो 5-7 महीने नहीं हुआ, फिक्स्ड टर्म में लगे नौकरी पे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं राजनीतिक भाषण नहीं कर रहा हूँ, सारा राजनीतिक सुनते आया हूँ मैं भाई, बहुत बोल सकता हूँ उसके बारे में, मैं जानबूझकर नहीं बोल रहा, विषय जा रहे बाहर। फिक्स्ड टर्म दो बरस का रखते, फिर दूसरा टाइम बोलेंगे फिक्स्ड टर्म रखा था आपको, कितनी तनख्वाह दे रहे थे? 25,000 दे रहे थे, अभी नया फिर 1:1 कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, सही एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिक्स्ड टर्म के लिए, और वो कहेंगे पिछली बार 25,000 दिया था, आप तो नहीं दे पाएंगे, अब 20,000 करना है तो करो, तो जाओ, क्या वृद्धि है? फिक्स्ड टर्म 7-7 बार फिक्स्ड टर्म। माजगांव डॉक गवर्नमेंट PSU 14-14 साल लोग काम कर रहे हैं। एक्सिस बैंक, मैं नाम लेकर जानबूझकर बोल रहा हूँ, ठीक, लोग 10 बरस काम किए, तनख्वाह नहीं बढ़ रही सर, तनख्वाह बढ़ेगी कैसे? वो कितने वेंडर की बोल, वेंडर बोलता मैं देने के लिए राजी हूँ, बैंक मुझे दे नहीं रही है, हजारों कर्मचारियों के हाल हो रहे सर। सर मेरा समाप्त, मैं करता हूँ ना 2 मिनट में समाप्त, इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, 5 मिनट में सर, इतना बड़ा 20 घंटा दिया है, मैं BSE कमेटी में हूँ जी, हमारे आज आपने मुझे बजट पर बोलने का, आज आपने मुझे बजट पर बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। सर मैं पहली बार बोल रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मुझे पर्याप्त मौका दिया जाएगा बोलने के लिए। सबसे पहले मैं जमुई की जनता सर, सबसे पहले मैं जहां से चुन करके आया हूं जमुई लोकसभा की जनता को अपना धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने पहली बार मुझ पर और तीसरी बार मेरी पार्टी को पे विश्वास करके हमें भारत के संसद में भेजा है। अर्थी जी प्लीज बिल्कुल आपको समय दिया जाएगा। अरविंद सावंत जी काइंडली कंक्लूड, आपको 1 मिनट का समय है, प्लीज कंक्लूड। अब सारी बातें इसमें सर है कि ये जो चल रहा है, अभी आपने नीट परीक्षा की बात सुनी, UPSC हमारे पास खेड़कर नाम की एक महिला पकड़ी गई है, देख लो आप, MPSC हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मुंबई में इनकम टैक्स में 1200 लोगों की भर्ती हुई, 1200 में 3 महाराष्ट्र से, बाकी कहां से आए? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच करिए सर। मैं किसी प्रांत से हमारी दुश्मनी नहीं है, पूरे भारतवर्ष से, बाकी सारे राज्य नहीं, 2 राज्यों से सारे लोग आ गए, कमल की बात है। तो जांच करने की मैं मांग करता हूँ। आखिर में 2 मुद्दे रखता हूँ, NCLT, वो NCLT में इसके कितने केस पड़े आपने जिक्र किया है, जेट एयरवेज आज तक उनको NCLT दिखा दिया, उनके ग्रेजुएट और PF दे दो, पैसा नहीं मिल रहा है सर। हयात रिजेंसी मुंबई में बंद पड़ा हुआ है होटल, पैसा नहीं मिल रहा है सर, लोग बेकार हो रहे 30-30 साल सर्विस करने के बाद में भी। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे इस मुद्दों को लेकर, अगर सरकार युवा बेरोजगार की बात करती है तो उसमें हमें, मुझे आपको यही बताना है कि और एक बार आखिरी मुद्दा आता है, ये सब करने के बाद पेंशन, 10 बरस लड़ रहा हूँ EPS पेंशन 95, 800 रुपया, 1200 रुपया, क्यों उनसे खिलवाड़ कर रहे हो सर? और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, महाराष्ट्र के तीन मुद्दे एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ। एक है छत्रपति शिवाजी महाराज, ये कहते हैं हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद भाजपा के साथ,
और वही छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन पे खड़ा करने के लिए कहा तो रेलवे का चेयरमैन कहता है पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी नहीं तो वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू कैसे लगाया, विश्वेश्वरैया का स्टैचू कैसे लगाया, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाने के लिए पॉलिसी नहीं है, आपकी लैंड पॉलिसी भी अब तक खराब हुई सर। और इसलिए प्रार्थना करता हूं मराठी भाषा क्लासिक लैंग्वेज का दर्जा देना है, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू बनाना है। और नाना शंकर सेठ, हम जो देश में रेल घुमा रहे हैं ना, वो रेल जिसने देश में पहली लाई उनका नाम है नाना शंकर सेठ, उनका नाम मुंबई सेंट्रल स्टेशन के लिए मांग 10 बरस से करता रहा हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ी सरकार, अभी भी नहीं हुआ है, वो करिए, इतनी मेरी प्रार्थना है, तब जाकर बजट की बात करिए, बाकी सब झटझट है, छोड़ दो। धन्यवाद। या व्हिडिओवर तुमची प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की लिहा आणि व्हायरल मराठी चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका।